नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जहां पर चंद्रदेव को अमृत की प्राप्ति हुई थी। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं, आप कहां कहां घूम सकते हैं और आपका पूरा खर्चा कितना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। हमारे सफर की शुरुआत होती है दिल्ली के कस्बे गेट से, जहाँ से हमने सबसे पहले रात के 9:30 बजे श्रीनगर के लिए बस ली, जिसका प्राइस हमें 660 रुपये पर पर्सन पड़ा। फिर हम सुबह लगभग 7 बजे श्रीनगर पहुँचे। फिर श्रीनगर से हमने ऊखीमठ के लिए गाड़ी ली, जिसका प्राइस हमें 200 रुपये पड़ा। फिर यूं ही इन सफर के नज़ारों का मजा लेते हुए हम ऊखीमठ पहुँचे। फिर हमने ऊखीमठ से रांची विलेज के लिए गाड़ी पकड़ी, जिसका प्राइस हमें 120 रुपये पड़ा। लगभग 12 बजे हमने रांची विलेज पहुँचे। फिर हमने यहाँ रूम लिया, जिसका प्राइस हमें 500 रुपये पड़ा। खाने का प्राइस हमें 120 रुपये पर पर्सन थाली पड़ा। ये आपको यहाँ का मुख्य आकर्षण राजेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन कराते हैं। इस मंदिर में पूजा का टाइम शाम के 7 बजे से होता है। आपको बताया जाएंगे, ये मंदिर वही है जहाँ चंद्रदेव को तपस्या करने से अमृत की प्राप्ति हुई थी। माना जाता है यहाँ माता रानी के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको बताया जाएंगे, रांची विलेज मधुमेश्वर ट्रैक का बेस कैंप है। यहीं से मधुमेश्वर ट्रैक की शुरुआत होती है, जिसका डिस्टेंस लगभग 16 किलोमीटर पड़ता है। मधुमेश्वर मंदिर का ट्रैक से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारी मधुमेश्वर ट्रैक की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। फिर अगले दिन हमने वापस श्रीनगर के लिए गाड़ी पकड़ी, जिसका प्राइस हमें 250 रुपये पर पर्सन पड़ा। रास्ते में हमारे धारी देवी मंदिर आया, तो आइए आपको धारी देवी मंदिर के दर्शन कराते हैं। आपको बताना चाहेंगे, धारी देवी माता को उत्तराखंड के 4 धाम का रक्षक माना जाता है। फिर धारी देवी के दर्शन करने के बाद हमने वापस हरिद्वार के लिए बस पकड़ी, जिसका प्राइस हमें 160 रुपये पर पर्सन पड़ा। इसी के साथ हमारा ये सफर समाप्त होता है। आपसे फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।